नमस्कार दोस्तों, हम जब छुट्टियों में कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं तो हमारे दिमाग में एक नाम जरूर आता है, वो है हिमाचल प्रदेश। इस राज्य में कई सारे खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहां पर देश और विदेश से लोग छुट्टियां बिताने के लिए आते हैं। यहां पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, झीलें हैं, ऊंची नीची घाटियां हैं और प्राचीन मंदिर हैं। यही कारण है कि हिमाचल की प्राकृतिक सुंदरता यहाँ आने वाले लोगों को शांति प्रदान करती है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं हिमाचल प्रदेश के 40 प्रसिद्ध पर्यटक और धार्मिक स्थलों को। इसमें सबसे पहले आता है शिमला। हिमाचल की राजधानी शिमला को भला कौन नहीं जानता, ये भारत का एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ तक टॉय ट्रेन भी चलती है जिसका एक अपना अलग ही मजा है। ये जगह अपने सुहाने मौसम के लिए प्रसिद्ध है। सर्दियों में आप यहाँ स्नोफॉल का मजा ले सकते हैं। 2,200 मीटर की ऊंचाई पर बसा ये शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सुहाने मौसम के लिए जाना जाता है। इसके बाद है मनाली। मनाली भी हिमाचल का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। मनाली बर्फ से ढके पहाड़ों, हरे भरे घास के मैदानों और घने जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा पर्यटक यहाँ सर्दियों और गर्मियों के मौसम में आते हैं। इसके बाद है डलहौजी। डलहौजी हिमाचल का एक बेहद ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। यहाँ आकर आपको ऐसा लगेगा आप किसी यूरोप के शहर में आ गए हों। इस हिल स्टेशन को बसाने का श्रेय ब्रिटिश गवर्नर जनरल डलहौजी को जाता है और उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम डलहौजी पड़ा है। छुट्टियाँ बिताने के लिए ये एक अच्छी जगह है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है स्पीति वैली। हिमाचल की स्पीति वैली चारों तरफ से हिमालय से घिरी हुई है। स्पीति वैली के ठंडे रेगिस्तान, बर्फ से ढके हुए पहाड़, घुमावदार सड़कें और खूबसूरत घाटियां पर्यटकों को यहां पर आकर्षित करती हैं। स्पीति में घूमने के लिए केवल गर्मियों में जा सकते हैं। बाकी समय में यहां पे भारी बर्फबारी होती है जिस कारण से बाकी समय यहां जाना मुश्किल है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है कसौली। कसौली हिमाचल प्रदेश का एक शांत टूरिस्ट प्लेस है जो कि शहर की भीड़भाड़ से दूर शांति में कुछ वक्त बिताने के लिए एक अच्छी जगह है। ये एक देवदार के सुंदर जंगलों के बीच छोटा शहर है। यहाँ पर्यटक साल भर घूमने के लिए आते हैं क्योंकि यहाँ का मौसम हमेशा ही सुहाना बना रहता है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है धर्मशाला। धर्मशाला हिमाचल का एक खास पर्यटक स्थल है जो कि बर्फ से ढके पहाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपको चारों तरफ तिब्बती कल्चर देखने को मिल जाएगा। इस जगह को दलाई लामा के निवास के रूप में भी जाना जाता है और यहाँ का मौसम भी साल भर सुहाना ही बना रहता है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है मैक्लोडगंज। मैक्लोडगंज एक खूबसूरत पहाड़ी शहर है, इसे छोटा ल्हासा भी कहते हैं। ये जगह तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का निवास स्थान भी है, यही कारण है कि यहाँ पर ज़्यादातर तिब्बती कल्चर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद अगले स्थान पर आता है खजियार। खजियार एक पहाड़ी जंगलों से घिरा खूबसूरत क्षेत्र है। ये हिमाचल के चंबा जिले में स्थित है और इसके बीच में एक झील भी है। इसकी प्राकृतिक खूबसूरती के कारण इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है तीर्थन वैली। तीर्थन वैली हिमाचल की सबसे खूबसूरत घाटियों में से एक है। ये जगह प्राकृतिक खूबसूरती और कई पर्यटक स्थलों से भरी हुई है। अगर आपको शांत पर्यटक स्थल की तलाश है तो आप एक बार यहाँ जरूर आएं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है कसौल। हिमाचल प्रदेश का कसौल एक छोटा पहाड़ी गांव है। यहाँ इजरायली पर्यटक काफ़ी संख्या में आते हैं, यही कारण है कि इस जगह को मिनी इजरायल भी कहा जाता है। इसके बाद अगले स्थान पर है किन्नौर। किन्नौर को लैंड ऑफ गॉड के रूप में भी जाना जाता है जो कि शिमला से 235 किलोमीटर दूर है। ये जगह अपने हरे भरे जंगलों और चट्टानी पहाड़ों की सुंदरता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर हिंदू और बौद्ध दोनों ही संस्कृतियाँ देखने को मिलेंगी। हिंदू पर्यटक यहाँ प्रसिद्ध किन्नौर कैलाश को देखने जरूर जाते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है बिलिंग घाटी। बीर बिलिंग हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित एक छोटा शहर है जो कि एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है। ये जगह पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग और मेडिटेशन के लिए प्रसिद्ध है। ये जगह भारत में पैराग्लाइडिंग के लिए सबसे अच्छे स्थानों में से एक है। इसके बाद आता है कुफरी।
कुफरी हिमाचल प्रदेश का खास पर्यटक स्थल है, जो कि शिमला से 12 किलोमीटर दूर है। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फबारी होती है और इस दौरान आप यहाँ बर्फ में होने वाले खेलों का मजा भी ले सकते हैं। गर्मियों में भी यहाँ का मौसम काफ़ी सुहाना बना रहता है। इसके बाद आता है चंबा। हिमाचल प्रदेश का चंबा रावी नदी के किनारे 9,900 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ एक खूबसूरत पर्यटक स्थल है। ये जगह मंदिरों, घास के मैदानों और झीलों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद आता है मंडी। मंडी हिमाचल का एक ऐतिहासिक शहर है, जो कि व्यास नदी के किनारे बसा हुआ है। ये जगह टूरिस्ट प्लेस के साथ साथ पत्थरों के मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर 300 से ज़्यादा हिंदू मंदिर स्थित हैं। इसके बाद आता है कुल्लू। कुल्लू भी हिमाचल का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। वैसे कुल्लू का नाम अक्सर मनाली के साथ ही लिया जाता है, लेकिन कुल्लू मनाली से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। शहर की गर्मी और भीड़भाड़ से दूर ये एक सुंदर जगह है। इसके बाद आता है काजा। स्पीटी वैली में स्थित काजा एक शानदार पर्यटक स्थल है, जो कि अपनी शानदार पहाड़ियों, बौद्ध मठों और प्राचीन ग्रंथों के लिए जाना जाता है। ये जगह चारों तरफ से बर्फीले पर्वतों से घिरी है और यहाँ पहुँचना भी काफ़ी कठिन है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है पालमपुर। कांगड़ा घाटी में स्थित पालमपुर अपने शानदार नज़ारों और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। चीड़ और देवदार के घने जंगलों के बीच बहती पानी की धाराएं सभी को पसंद आती हैं। छुट्टियां बिताने के लिए ये एक बहुत ही बेहतर जगह है। इसके बाद आता है नाहन। नाहन हरे भरे जंगलों और बर्फ से ढकी पर्वत चोटियों से घिरा शानदार शहर है। नाहन शहर को बसाने का श्रेय राजा करण प्रकाश को जाता है। इसके अलावा यहाँ पर नाहन महल भी है। इसके बाद आता है कांगड़ा। कांगड़ा हिमाचल का एक ऐतिहासिक शहर है, जिसका ज़्यादातर हिस्सा पहाड़ी पर बसा हुआ है। ये जगह चाय, चावल और फलों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पर एक प्रसिद्ध कांगड़ा का किला भी मौजूद है और कांगड़ा के आसपास कई सारे पर्यटक स्थल भी हैं, जहाँ पर पर्यटक घूम सकते हैं। इसके बाद है बिलासपुर। बिलासपुर हिमाचल का एक शहर है, जो कि गोविंद सागर झील के पास में है। ये जगह धार्मिक पर्यटन के लिए भी खास है। यहाँ पर प्रसिद्ध नैना देवी का मंदिर भी है। इसके अलावा बिलासपुर को प्राचीन किलों के लिए भी जाना जाता है। इसके बाद आता है नारकंडा। नारकंडा हिमाचल का एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है। अगर आपको सर्दियों में स्नोफॉल का मजा लेना हो तो आप यहाँ पर जरूर आएं। यहाँ पर कुल्लू, मनाली, शिमला इन जगहों से कम भीड़ रहती है। ये जगह इन सबसे थोड़ी शांत है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है तत्तापानी। तत्तापानी शहर को धार्मिक स्थलों के साथ साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी देश भर में जाना जाता है। यहाँ पर एक जगह गर्म पानी निकलता है, जिसकी वजह से ये स्थान धार्मिक स्थल के रूप में भी विकसित होता जा रहा है। इसके बाद अगले स्थान पर है मणिकरण साहब। मणिकरण साहब कुल्लू जिले में स्थित हिंदुओं और सिखों का एक तीर्थ स्थल है। ये जगह समुद्र तल से 6,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ बहुत ठंड पड़ती है, लेकिन यहाँ पर एक गर्म पानी का स्रोत भी है। कहते हैं कि इसमें नहाने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। इसके बाद है सोलन। सोलन को मशरूम सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये जगह मशरूम के लिए प्रसिद्ध है। ये हिमाचल का एक शानदार हिल स्टेशन है। इसके अलावा यहाँ आसपास कई सारे मंदिर और मठ भी हैं, जिस कारण लोग यहाँ पर आते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर है नग्गर। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है नग्गर। ये हिमाचल का प्राचीन और ऐतिहासिक शहर है। यहाँ से हिमाचल के बहुत ही सुंदर नज़ारे दिखाई देते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर है परवाणु। परवाणु हिमाचल प्रदेश में स्थित एक सुंदर हिल स्टेशन है। इस जगह की पहाड़ियाँ और बगीचे पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये एक शांत और खूबसूरत स्थान है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है पौंटा साहिब। पौंटा साहिब एक छोटा शहर है, जो कि पौंटा साहिब गुरुद्वारे के लिए प्रसिद्ध है। इस जगह गुरु गोविंद जी ने कुछ साल बिताए थे, इस कारण ये जगह काफ़ी प्रसिद्ध है और सिखों के लिए तीर्थ स्थल है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है सोलांग वैली। सोलांग वैली हिमाचल की एक ऐसी जगह है जो एडवेंचर स्पोर्ट्स पसंद करने वाले लोगों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है।
यहाँ गर्मियों और सर्दियों में पर्यटकों की भारी भीड़ आती है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है रोहतांग पास। रोहतांग पास मनाली से 51 किलोमीटर दूर है और घूमने के लिए एक बेहतरीन जगह है। यहाँ आपको ग्लेशियर के शानदार नज़ारे दिखाई देंगे और यहाँ पर्यटक ट्रैकिंग, माउंटेन बाइकिंग, पैराग्लाइडिंग और स्कीइंग का मजा ले सकते हैं। ये जगह मई से लेकर सितंबर तक खुलती है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है पार्वती वैली ट्रैक। अगर आपको जंगलों में सफ़र करना पसंद है और ट्रैकिंग करने का शौक़ रखते हैं तो आप एक बार यहाँ पार्वती वैली ट्रैक पर जरूर आएं। ये ट्रैक काफ़ी थका देने वाला रहता है। इसके बाद अगले स्थान पर है खीर गंगा ट्रैक। अगर आप ट्रैकिंग और एडवेंचर पसंद करते हैं तो खीर गंगा ट्रैक आपके लिए एक बेहतर जगह है। यहाँ पैदल ट्रैकिंग करते हुए आप जंगल में झरने, घाटियाँ और चट्टानों को देख सकते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है तोस। तोस हिमाचल का एक छोटा हिल स्टेशन है जो सेब और गांजे की खेती के लिए जाना जाता है। ये एक शांत हिल स्टेशन है। अगर आप किसी ऐसे ही शांत हिल स्टेशन की तलाश में हैं तो आप एक बार यहाँ पर जरूर जाएं। ये जगह आपको सुकून देगी। इसके बाद अगले स्थान पर आता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। हिमाचल के कुल्लू जिले में स्थित ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और पक्षियों की अनेकों प्रजातियां पाई जाती हैं जो कि दुनिया में बहुत ही कम हैं। यहां आप काला भालू, कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, हिमालयी ताहर ऐसे कई सारे दुर्लभ जानवरों को भी देख सकते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है पराशर लेक। हिमाचल की पराशर लेक किसी स्वर्ग से कम नहीं है। ये जगह बेहद ही खूबसूरत और शांत है। यहाँ पर झील के आसपास घास के मैदान ऐसा लगता है मानो आप किसी अलग ही दुनिया में आ गए हों। इसके बाद अगले स्थान पर है भृगु लेक। भृगु लेक हिमाचल की एक प्रसिद्ध झील है। यहाँ हर साल लाखों पर्यटक घूमने के लिए और इसके आसपास ट्रैकिंग के लिए आते हैं। इस लेक का नाम ऋषि भृगु के नाम पर पड़ा है। यहाँ से आपको चारों तरफ बर्फ से ढकी चोटियाँ नजर आ जाएंगी। इसके बाद अगले स्थान पर आता है त्रियुंड। त्रियुंड हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित एक छोटा हिल स्टेशन है जो कि ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए प्रसिद्ध है। ये जगह एकदम शांत है और यहाँ से दूर दूर तक हिमालय की पहाड़ियाँ नजर आती हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है फेगू। फेगू शिमला से 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक शांत पर्यटक स्थल है। यहाँ की खूबसूरती देखकर आपका मन बार बार यहाँ आने का करेगा। यहाँ वैसे तो कम ही पर्यटक आते हैं लेकिन ये एक खूबसूरत स्थान है। इसके बाद अगले स्थान पर है ज्वाला देवी। हिमाचल के कांगड़ा घाटी में स्थित ज्वाला देवी मंदिर हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थान है। ये माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस चमत्कारी मंदिर के अंदर ज्वाला अपने आप जलती है और हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ पर दर्शनों के लिए आते हैं। तो ये हैं हिमाचल प्रदेश के 40 प्रसिद्ध पर्यटक और धार्मिक स्थल जहाँ पर सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं। इन सब के ऊपर हमने अपने अलग अलग वीडियो भी बनाए हुए हैं जिनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ पर जाके इनकी कंप्लीट डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। अगर इन 40 के अलावा भी आप लोगों को लगता है कोई फेमस प्लेस छूट गया है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम अपने इस चैनल पर इसी तरह की टूर एंड ट्रैवलिंग की जानकारियाँ देते रहते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।